हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय पटल पर एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े बड़े शहरों को पछाड़ते हुए एक ऐसे क्षेत्र में सम्मान हासिल किया है जो आज के समय की जरूरत है। छत्तीसगढ़ को समय सीमा के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए सम्मान मिला है। ये सम्मान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बनारस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नाम हुआ और प्रदेश को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को समय सीमा के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बनारस में आयोजित कार्यक्रम में इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को प्रमाण पत्र सौंपा। आपको बता दें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन के लिए दिसंबर 2022 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित था, मगर प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा सेंटर्स को कार्यशील कर दिया। छत्तीसगढ़ को कुल 4,825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में संचालित करने का लक्ष्य मिला था। राज्य में अभी इस लक्ष्य से 62 अधिक यानी 4,887 केंद्रों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को इस उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने इसमें लगे विभागीय टीम की पीठ थपथपाते हुए उम्मीद जताई है कि प्रदेश में जल्द ही सभी चयनित स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में उन्नयन कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर पूनम सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ की ओर से बनारस में ये सम्मान ग्रहण किया। प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में लोगों को प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं संचारी रोग व गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, सामान्य रोगों के लिए बाह्य रोगी देखभाल एवं प्रबंधन, आंख कान गला नाक संबंधित सामान्य देखभाल, मुख स्वास्थ्य संबंधित देखभाल, वयोवृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहां लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने इन केंद्रों के माध्यम से योग एवं वेलनेस की गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। प्रदेशवासियों को सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आप प्रदेश की इस उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे और क्या आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ वासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये वेलनेस सेंटर हितकारी साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए 4थाई न्यूज के साथ। नमस्कार।